जिंदगी भर ड्राइवरी की, आखिरी दिन वो डीएम की तरह घर पहुंचा। गांव वालों ने देखा डीएम तो ड्राइवर थे, ड्राइवर डीएम की सीट पर था। डीएम ने अपने ड्राइवर की विदाई पर चूमा हाथ तो झूमा पूरा गांव। यूपी के बांदा में कुछ ऐसा हुआ जिसकी तस्वीर पूरा हिंदुस्तान देखना चाहेगा। ड्राइवर इम्तियाजुद्दीन खान सालों से बांदा में डीएम की गाड़ी चलाते थे। नौकरी का आखिरी दिन था, परिवार भावुक था। नौकरी का आखिरी दिन बेटी की विदाई की तरह होता है। इम्तियाजुद्दीन खान के घर वालों को पता था अब्बू शाम में नौकरी पूरी करके अकेले घर आएंगे। घर पर कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन शाम का वक्त था, अचानक गांव में कई गाड़ियां आने लगी, तैयारी होने लगी, पुलिस का सायरन बजने लगा। अब हम आपको बताते हैं डीएम ने ड्राइवर को डीएम की सीट पर क्यों बैठाया और खुद ड्राइवर क्यों बने। ये है बांदा के डीएम अनुराग पटेल। 30 अप्रैल को जब ड्राइवर इम्तियाजुद्दीन खान की विदाई थी तो एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था। ड्राइवर इम्तियाजुद्दीन खान का रिटायरमेंट सम्मान हुआ और वक्त विदाई का होने लगा। ड्राइवर ने सबसे हाथ मिलाया, गले लगे और घर की तरफ चलने लगे। डीएम साहब के पास गए और सिर झुकाकर कहा, डीएम साहब आशीर्वाद दीजिए, हमारी नौकरी पूरी हुई, अब हम चलते हैं। लेकिन तभी डीएम ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अच्छा तो चलते हैं, और उन्हें अपनी सीट पर बैठा दिया। फिर डीएम ड्राइवर वाली सीट पर बैठ गए। आगे आगे डीएम साहब का स्कॉर्ट चल रहा था, पीछे पीछे डीएम की गाड़ी थी। ड्राइवर डीएम अनुराग पटेल बने थे और डीएम की सीट पर बैठे थे ड्राइवर इम्तियाजुद्दीन खान। गांव में गाड़ी पहुंची। गांव वालों ने कभी नहीं सोचा था कि डीएम उनके गांव में ड्राइवर की तरह आएंगे और उनके गांव का ड्राइवर डीएम की तरह आएंगे। जानते हैं इसके बाद ड्राइवर ने डीएम के इस व्यवहार पर क्या कहा। अब तक कार्यकाल में 2 दर्जन से भी ज्यादा कलेक्टर की सेवा कर चुका हूं, लेकिन साहब जैसा पहली बार देखा है। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी अपने कर्मी को इतना सम्मान दिया है, ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं जब साहब को घर लेकर जाना चाहा तो वो मेरी ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और खुद गाड़ी चलाकर मुझे घर तक छोड़ने आए। उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया, मैं बहुत खुश हूँ। दरअसल ड्राइवर इम्तियाजुद्दीन का रिटायरमेंट ईद से 3 दिन पहले ही था। डीएम ने उनकी ईद मना दी। डीएम ने उनकी विदाई ऐसे क्यों की, खुद बताया। वो कलेक्टर को समय से हर जगह पहुंचाते हैं, पूरे दिन साथ साथ रहते हैं। मैं पूरे स्टाफ को अपना परिवार मानता हूं। मेरे ड्राइवर इम्तियाजुद्दीन रिटायर हुए हैं, मैं उनका स्वागत कर उन्हें खुद गाड़ी ड्राइव कर घर छोड़कर आया हूं। उनके घर के लोग भी बहुत खुश हुए। उन्होंने 42 साल तक अपना परिवार रिश्तेदार छोड़ सेवा की है। मेरे साथ पिछले 7 महीने से काम कर रहे थे। चालक और अधिकारी का संबंध रति और सारथी का होता है। रिटायरमेंट के बाद मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि कुछ न कुछ जरूर करते रहे और जीवन को सुखमय बनाए। मैं उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं। ड्राइवर और अधिकारी दोनों लंबे वक्त तक साथ रहते हैं। कोई सम्मान देता है, कोई छोटा समझकर अपमान भी करता है। लेकिन एक इंसान के तौर पर सोचिए, क्या कोई भी ऐसा करके छोटा होता है या बड़ा होता है। हमने सड़कों पर चलते लोगों को देखा है कि अगर कोई व्यक्ति गाड़ी या बड़ी गाड़ी से होता है तो वो पैदल चलने वालों को कीड़ा समझता है, हवाई जहाज से चलने वाला कार वाले को छोटा समझता है, हेलीकॉप्टर से चलने वाला खुद को सबसे बड़ा समझता है। लेकिन सबसे बड़ा होता है आपका व्यवहार, आपका दिल। अगर आपको भरोसा नहीं है तो एक दिन डीएम अनुराग पटेल की तरह छोटा बनकर देखिए। संसार की सबसे ज्यादा खुशी आपके पास होगी।